अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? बिट्टी रेडी वेडी हुई हुई है, पीछे वो बंदा कल्टी हुआ होगा और हम आए हैं महाराजा रेस्टोरेंट। ठीक है, महाराजा रेस्टोरेंट में आए हैं और आज हम आए हैं यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, क्योंकि हमारी एक दोस्त है, उसने हमें इनवाइट किया है, तो देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। हम उनसे भी मिलवाते हैं। वो ऊपर देखे बलून लगे हुए हैं, ये जाके देखते हैं रेड और व्हाइट, देखते हैं क्या सीन है, मिलवाते हैं आपको भी बड़े घर से भी और बड़े गर्ल या बॉय या जो हमें या कुछ नहीं पता, हमने इनवाइटेड है बस। हाँ, तो हम बताते हैं जाके आपसे वहाँ पे भी। ये है हमारा बर्थडे बॉय। हेलो, कैसे हैं? हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग आए, हमेशा खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसे ही बर्थडे मनाते रहे और ऐसे ही हमें इनवाइट करते रहे। स्पेशली थैंक्स टू उरूज कि इन्होंने सारा सेटअप किया मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ। आप ऐसे खुश रहो जी, आप लोग आपकी बर्थडे ऐसे ही मनाती रहे। और जब गोपाल की बर्थडे हो या सोनिया की बर्थडे हो। अच्छा गोपाल, आपको यहाँ का सेटअप कैसा लगा? नहीं, जबरदस्त है। अच्छा जी, VIP है। तो आप व्यूअर्स को बताएंगे नहीं कि ये कहाँ है, ये सेटअप किस जगह पर है? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा मैं, क्यों नहीं। यहाँ पे काफी अच्छी जगह मिल जाती है, ये देखें काफी बड़ा स्पेस है। Exactly. स्पेस जो है काफी बड़ा मिल जाता है। बाकी ये हम तो महाराजा कहिएगा, आप अपनी बर्थडे जो है वो महाराजा रेस्टोरेंट में कीजिएगा। जी जी, जरूर जरूर। क्यों बिटी? यस यस, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद आया। ट्राई करो, सब्सक्राइब करो। बल्कि अभी जो है वो इसकी हाइलाइट्स गोपाल आप जरूर पूछ लिया। केक को जो है कट करते हैं। फाइनली जो है केक कट करते हैं। हमने सोचा हम केक को कट कर ही लेते हैं। केक ही कट कर भाई, केक ही कट करना है, केक ही कट करना है। नहीं, वो टिकटॉक पे होता है, यूट्यूब पे भी हो जाता है अक्सर। नहीं, आप जो है छुरी लेके किसी के पीछे भागोगे तो फिर तो होगा। क्या आजा केक कट कर ले, आजा केक कट कर ले। फाइनली हम केक को कट करने लगे। केक यहाँ पे कट होगा, निकाल के मुझे दे देना क्लिप, तो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लो। यार फिर मुझे कट करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ टिकटॉक के लिए चाहिए ना। हाँ, तो यूट्यूब से कर ले। वो लेंस के अंदर वो चले गए ना, क्या बोलते हैं, सर्दियों में जो अंदर चले। ओस ओस, मैंने तो लेंस प्रोडक्शन के लिए लगवाया था। हाँ, तो वो उतार दो अभी। नहीं बना ले। केक कुक कट चुका है और बट भी चुका है। और भाई आपको हैप्पी बर्थडे, रिटर्न ऑफ द डे। ठीक है, और आप लोग आए, आप लोग ने माशाल्लाह इतना इवेंट अच्छा कवर किया, बहुत दिल की खुशी हुई मुझे। अभी आप बाद में जब हम अपलोड करेंगे फिर देखिएगा। क्यों, अभी तो टिकटॉक भी बनाएंगे ना? जी जी, अभी बनाएंगे टिकटॉक। नहीं तो बिट्टी की इतनी ड्रेसिंग करने का काम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बनेंगे तो हम उनकी बर्थडे पे आए, बहुत अच्छा लगा। जरूरी नहीं कि हम टिकटॉक के लिए आए। तो नहीं, टिकटॉक तो फिर बनती है ना, बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है ना, जरूरी है, जरूरी है। किया था अरूज ने, है अरूज मलिक ने। हाँ, अरूज मलिक ने, अरूज मलिक वो है ना ड्रामो की एक्टर है, ड्रामा की एक्टर है। आपने अक्सर वैसे भी हमारी उनके साथ अच्छी मतलब के अच्छी हमारी फ्रेंड है ना। हाँ, तो पहले भी हम काफी केक वेक कट गया और सैम जो है अपने काम पे लगा हुआ है। वो बोर हो रहा था, सैम ने सोचा कि चलो तुम्हें मोबाइल देता तो हम यहाँ पे बैठ के बातें शातें कर रहे हैं, तो वो जो बार थोड़ा अपना वो देखने टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं। हमें भी बोल रही थी आ जाओ, हमने बोला आप जाओ, हम बैठते हैं यहाँ पे, हम भी बनाते हैं ना यहाँ पे। वो फूल रखे हुए हैं, फूलों के साथ बनाते हैं जी। महाराजा रेस्टोरेंट और खाना आ चुका है बिटी। जी हाँ, खाना आ चुका है। तो चल रही थी। सैम काफी एक्साइटेड है, आराम से सैम गिनने लगा था ना वो है। सैम आराम से खाना आ चुका है, ये देखें बर्तन कैसा हो गया। ओहो महाराजा, मुझे ये बहुत पसंद। ये है क्या भला? चल चल, पता नहीं है, खीरे का नहीं पता उसका, कंफ्यूज हो गया ना। क्या है? कीड़ा, इसलिए तो वो बोला नहीं है। हाँ, और जो हमारे साथ लोग हैं वो उधर होके बैठे हुए। आ जाओ भाई, कुछ
कुछ लोग बाहर गए, कुछ उधर होकर बैठे और हम खाने के साथ नहीं, खाली चार ही लोग इनवाइटेड थे। हाँ। क्यों? बस ये जी खाना हमारा जो है ना प्लेट में डल चुका है जी। हाँ, तो हम खाने के लिए रेडी हुए हैं। आए थे, काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ हमने चार पांच लोगों का सेटअप लगवाया, चार लोगों का, पांचवा तो सैमी है ना। फूल बहुत प्यारे हैं भाई के लिए। भाई क्या क्या हुआ? उसको भूल गया बाकी जाने, उसको बाल खा दिया। नहीं नहीं, मैं मेरे को लगा कि हम लोग चार लोग हैं लेकिन हम लोग पांच लोग हैं। मैंने अपने आप को भूल गया था बेटे। क्या कवर किया? ठीक है, मैं अपने आप को भूल गया था। तो आप हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह मैं अपना इवेंट भी यहीं पे करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि छठे महीने हमारी बर्थडे आ रही है और हमने सोचा है कि दो दिन तीन दिन अलहदा रहें और इस तरह हम करें अपनी शादी। डुली जगह आ जाओ बिटी, तो बाहर से घूम के आए, आ जाओ। होए होए, तंग जगह है, LCD वगैरह लगी है। ये थीम बहुत प्यारा लगा मुझे। ये आर्टिफिशियल आग लग रही है और धुआं भी जो है ना उठ रहा है। वाकई सेक है, तो लाइटों का सेक है। तो चलते हैं, ये जो सेपरेट एरिया, ये तो मुझे काफी जबरदस्त लगा। वैसे भी कोई अगर बुक कराना चाहता है तो आसानी से यहाँ पे बुकिंग भी करा सकता है। हाँ हाँ, बाहर से भी विजिट करते हैं, कोई आसानी से बुकिंग करा सकता है, कोई इतना इश्यू नहीं है। तो हम लोग भी जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या सीन है, क्या यहाँ तो दिखाते। अच्छा, ये हमारा वो है ना एंट्रेंस है, वहाँ से है, वहाँ से है ना एंट्रेंस। एंट्रेंस से दिखाते हैं। हाँ ले लो ले लो, इसको देना है यार। यहाँ से एंट्रेंस है हमारा, ये ब्लॉक बी। अच्छा, ये नाजमाबाद है भाई, कितना देखें, काफी जबरदस्त लगता है, महाराजा टाइप का है। ये तो नीचे का एरिया था ना। हाँ ले लो बेटा, ले लो। तो हम लोग आए यहाँ पे और काफी अच्छे से इन्होंने जो है हमें रिस्पेक्ट भी दी और काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, बड़ा अच्छा ये भी एंट्रेंस बना हुआ, लाइक यहाँ से भी जाओ वहाँ से भी जाओ। यहाँ पे सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेनी है यहाँ पे, सेल्फी ले लो भाई। हाँ लेते हैं नीचे आके, आ जाओ पहले, ऊपर से होके आते हैं थोड़ा। काफी जबरदस्त है, आप लोग भी यहाँ पे आए आपको जरूर अच्छा लगेगा। हाँ। सभी झूले ले रहे हैं, लेने दो उसको, आ जाओ ऊपर। काफी अच्छा लगा यहाँ पे खाना भी, काफी कड़ाई कैसी थी बेटे, बहुत स्पाइसी थी और बहुत टेस्टी। बहुत ये देखो, यहाँ पे भी बर्थडे और उस साइड भी बर्थडे और उधर भी है, वो देखो लोग मतलब कि बर्थडे यहाँ पे काफी बुक कराते हैं। हाँ मुझे तो वो, हाँ बिल्कुल सब लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हमें काफी ज्यादा जबरदस्त लगा। ये देखिए यहाँ से इंटरेस्ट जो है, VR एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे, VR भी है और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे रूज भी बैठ चुकी है। हाँ, अभी करते हैं, जाने इसको बोला आप भी ट्राई करो, लेकिन बैठ तो गई है, लेकिन देखते क्या होता है। चले जी, जान तो बैठ चुका है, अभी चलना बाकी है कि चल गया है, चलने वाला है, अभी सेट कर रहे हैं। और सैमी यहाँ पे मेरा बेटा जो गाड़ियाँ चला रहा है। हाय, क्या चल नहीं रही, क्या हुआ अंकल? ये चल नहीं रही, मैं उसको बोल दीजिए गाड़ी चलाए, मैंने बोला ये चलेगा तो उठ के भागना नहीं। अच्छा चल पड़ा आपका, ओह अब फिर रूह चलने लगी है। ओए सैमी, चलने लगे जो दोनों बैठ के देखो एंजॉय कर रहे हैं। क्या वो जान रोज कुछ नजर आया क्या?
उसको क्या लगा के दिया है? वो बड़ा सुकून से बैठी तो यही लगा के दिया, शुरू हो रहा है ना अभी। अच्छा कर रहा है, चीखे मार रहा है। मुझे तो डर नहीं लग रहा। मारोगे तो लो जरा। हां आप भी लो जो नहीं, मैं नहीं लूंगी। मैंने पहले दो दफा ट्राई किया। अरे यार मुझे डर ही नहीं लग रहा। तुम खुद डरावनी हो। गाड़ी पे चल चुकी है। वाह मजे करो। इधर आओ, मेरे पास आओ, गाड़ी लेके मेरे पास आओ। और यहाँ से बहुत ही प्यारा लग रहा है वो, देखो ये दोबारा शुरू हो गया है। वो बोलते आप लोग जब सही तरह डरोगे जब तक नहीं नीचे उतारेंगे। अरे उसको चक्कर आने लग गए हैं।